डेली न्यूज झारखंड का असर, जंगली सुअर के मारने से घायल हुई महिला को सूचना पाकर फॉरेस्ट विभाग की टीम पहुंची महिला के घर। करौंदी प्रखंड से हमारे संवाददाता असलम अंसारी की रिपोर्ट। करौंदी प्रखंड के चौरिया गांव में जंगली सुअर के मारने से घायल हुई महिला और फसल को देखने पहुंची फॉरेस्ट विभाग की टीम। इस संबंध में वन क्षेत्र अधिकार भवनाथपुर प्रमोद कुमार ने बताया कि विभाग के द्वारा जो प्रक्रिया है उसको करने के बाद जो मुआवजा है उसे दे दी जाएगी। विदित हो कि जंगली सुअर के मारने से देवंती देवी और प्रहलाद चौधरी के फसल बर्बाद करने के साथ साथ देवंती देवी को जख्मी कर दिया था, जिसकी सूचना करौंदी प्रखंड के पूर्व उप प्रमुख गोरखनाथ चौधरी ने जंगल विभाग के पदाधिकारियों को दे दी थी। जंगल विभाग के पदाधिकारियों ने इसे संज्ञान में लेते हुए घटना की जाँच की। मौके पर नगीना चौधरी, प्रहलाद चौधरी, नारंगी पटेल, नारद चौधरी, विक्की पटेल, भानु पटेल तथा काफी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित थी। देवंती देवी के साथ जो घटना हुआ है इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी सर? इसमें सबसे तो पहले हम बता देते हैं आपको कि ऐसी स्थिति में जंगली जानवर अगर किसी को घायल करता है, नुकसान करता है, तो वैसी स्थिति में इसको सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल में इसको ट्रीटमेंट कराना होगा जी। उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है, किसका वहाँ से ट्रीटमेंट हुआ। दूसरी बात है कि इसको थाना में इंटीमेशन देना पड़ेगा किसको जंगली जानवर नुकसान किया है, घायल किया है। वैसी स्थिति में उसके बाद फिर हमारे यहाँ से उसका एक परफॉर्मा है, फॉर्म है, वो फॉर्म मिलेगा। फॉर्म में भर करके बजाबते वो थाना का रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट दोनों लगा करके दे देंगे। उसको मुआवजा देने का प्रावधान है, एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत उसको मुआवजा मिल सकता है। सर ठीक है, लेकिन दिन प्रतिदिन वो जो जंगली सुअर है आ जा रहा है, तो सर इसको कैसे रोकथाम किया जाएगा? जंगली सुअर के रोकथाम के लिए क्या उपाय है आप बताइए? जंगली सुअर के रोकथाम के तो जी वैसा कोई परफेक्ट उपाय है नहीं। जंगली जानवर कोई भी हो उसको हम घेर के नहीं रख सकते, बांध के नहीं रख सकते। उसका उपाय यही है कि उसका कोई चरवाहा भी नहीं होता जी, ठीक है, तो उसको चारा चाहिए। चारा अगर जंगल में उपलब्ध हो जाएगा तो खेती में नहीं जी। इसलिए हमको जंगल में उसका जो चारा उपलब्ध कराने के लिए जंगल को बचाना पड़ेगा, उससे कुछ राहत मिल सकता है। सर अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ, हम वन क्षेत्र पदाधिकारी भवनाथपुर प्रक्षेत्र जी।